डे ये जगह तो मेरी एकदम, मैंने निकाले फेशियल हेयर निकले हैं मेरे, छोटे छोटे निकले। मैं आपको एंड तक देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देख लो, इसके अंदर ऐसे नहीं दिखेंगे दूसरे वाले फोन आपको, ना है ना, शूट करके दिखाते हो नजदीक से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? राइट नाउ आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश्ड, सो एनर्जेटिक। वो इसलिए क्योंकि मैं गई थी फैन फेस्ट में। एक दिन का यूट्यूब का फैन फेस्ट था, बाकी 2-3 दिन हमने वैसे ही छुट्टियां मना ली। तो थोड़ा सा यू नो वर्कलोड कम हो जाता, वर्कलोड बिल्कुल नहीं रहता, तो सिर्फ मस्ती 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 रहती है। तो चलो, बहुत सारी मस्ती की, थैंक यू सो मच आप लोगों की वजह से ना फैन फेस्ट पे उन लोगों ने बुला लिया यूट्यूब वालों ने। आप लोग इतना प्यार करते हो तो आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहना। आज की वीडियो में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले डियर प्लीज मेरी ये जो गंदा सा फेस है ना उसको इग्नोर कर देना। राइट नाउ बहुत डर्टी हुआ पड़ा है, इसलिए क्लीन नहीं किया था, क्योंकि अब वीडियो में क्लीन करूंगी ना, तो फिर आप पहले में और एट द एंड वीडियो के एंड में आप लोग फिर कंपेयर कर सकोगे, ठीक है। 3-4 दिन के लिए घर से बाहर थी, बिल्कुल भी फेस का ध्यान नहीं रखा, कोई फेस पैक नहीं, कोई नथिंग, कुछ नहीं। तो राइट नाउ फेस के ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर, ये देख लो पिंपल हो गया, ये इधर थोड़े से ब्लैक हेड्स हो गए, मतलब होते यार बाहर धूल मिट्टी एंड क्या, मतलब क्या खाना, मतलब क्या नहीं खाया, हर वो चीज खाई जो स्किन के लिए आपको पता होती है कि अच्छी नहीं होती है। ऑयली फूड खा लिया, ये खा लिया, जंक फूड खा लिया। तो चलो फेस की अब क्लीनिंग करते हैं, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। या फेस क्लीनिंग से याद आ गया एक और चीज, आज मैं यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। ऑलरेडी मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन आप लोगों के साथ रिव्यू नहीं शेयर किया। पर्पल हॉल आने वाला है, पर्पल हॉल में आप लोगों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स दिखने वाले हैं, जो मैंने खुद नो ढूंढ ढूंढ के निकाले कि मुझे इनके ऊपर रिव्यू करना है, इनको पर्सनली यूज करना है, तो जरूर आप देख लेना 1-2 दिन में। पे आज सेल चल रही है, इलाइट डे है आज 19 अप्रैल 2019। तो अभी शूट कर रही हूँ मैं, और अभी उसके फटाफट से शूट कर लूंगी एंड फटाफट से एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ। तो फटाफट से यार आधा दिन तो वैसे निकल जाएगा, तो आप जाके देख लेना सेल को। 10 प्रोडक्ट्स खरीदोगे 50% ऑफ आपको मिलेगा, बाकी की जितने डिटेल्स आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कूपन कोड भी अप्लाई कर लेना तो और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यार मैंने अपने फेस को क्लीन करना, बहुत गंदा हुआ पड़ा भाई, ये देख लो। इसके साथ मैं क्लीन करूंगी, इसको मैं कुछ दिन से यूज कर रही हूँ, अच्छा लगा मुझे ये वाला प्रोडक्ट। ये है गुड वाइब्स का, गुड वाइब्स प्लस रेंज में से है, 3-4 और प्रोडक्ट्स है, उनकी अलग वीडियो जाएगी। बट चलो अभी मैं इसको यूज करूँ तो आपको दिखा देती हूँ। टी ट्री ऑयल प्लस होली बेजल ब्लैक हेड रिमूवल प्लस एंटी एजिंग फेस वॉश है ये। डेफिनेटली कुछ भी आप अप्लाई करने वाले हो तो आपका फेस क्लीन होना चाहिए, तो मैं अपना सबसे पहले फेस को वॉश करूंगी। फेस मैंने अपना वॉश कर लिया है। बाय द वे, इस प्रोडक्ट की इन डिटेल आप लोगों के साथ मैं वीडियो वगैरह शेयर करने वाली हूँ। खुल बस इतना सा मैं ले रही हूँ। ग्रीन कलर का निकलता है, टी ट्री डाला है, होली बेजल डाला है, ब्लैक हेड के लिए बहुत सही है। एंड यप, मेरी स्किन के ऊपर थोड़ा सा ना ब्लैक हेड वगैरह हो गए हैं। पील ऑफ मास्क जब आप लगाते हो ना उस समय भी आपके ब्लैक हेड निकलते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। अभी आप वीडियो को देखोगे ना तो मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे करना है। आपने पहले करनी है स्टीमिंग, ठीक है, लेकिन पहले उससे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँ अच्छी तरह से। यप, इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत माइल्ड सी, अच्छी सी तुलसी जैसी इसकी फ्रेगनेंस आ रही है मुझे, और देख सकते हो फेस मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। एंड यप, फीलिंग सो फ्रेश, नाइस क्लीन एंड फ्रेश, नाइस क्लीन हो चुका है। फ्रेश तो चलो अभी करना है, एक्चुअली मैंने फ्रेश करूंगी डेर। इसको अप्लाई करके, चारकोल है इसके अंदर, डेफिनेटली आपकी स्किन के अंदर से डर्ट को निकालेगा। ओके, अगर आप चाहते हो तो आप अपना, आपका फेस क्लीन है अच्छी तरह से, आपने पैड ड्राई कर लिया, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है अपनी स्किन के लिए, अगर आपको और ज्यादा, अगर आपको इसका ज्यादा, अगर आपने इसका फायदा उठाना है, तो पील ऑफ मास्क से पहले आप ना स्टीमिंग ले लो। उससे क्या होगा, मैं एक्चुअली पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए उतनी देर मुझे तक, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्टीमिंग से क्या होगा डियर, कि आपके जितने भी पोर्स है ना खुल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ब्लैक हेड्स है, मेरे यहाँ पे है, देख सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे भी गंदगी है। जो भी होगा ना आपके, जब आपके पोर्स खुल जाएंगे, ठीक है, स्टीमिंग लेने से, जब आप इसको अप्लाई करोगे उसके साथ जाके स्टिक हो जाएगा, जब वो ड्राई हो जाएगा, ये सूख जाएगा, जब हम उसको खींचेंगे ना तो जितने ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, जितना भी टेक्सचर होगा, डेड स्किन होगी, सब निकल के बाहर आ जाएगी। इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, 3 या 4 मिनट के लिए आप स्टीमिंग ले लो इसको। आप हफ्ते में, अब गर्मियां आ गई और आप चाहो तो आप इसको 1 वीक में एक बार आप इसको ले सकते हो, आराम से आप इसको कर सकते हो हफ्ते में एक बार, क्योंकि गर्मियों में आपकी स्किन अंदर से भी क्लीन होनी बहुत जरूरी है, वरना पिंपल्स हो जाएंगे या फिर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो जाएंगे, बहुत बातें होगी। मेरा पानी गर्म हो चुका है तो चलो मैं पहले स्टीमिंग करूंगी। ओके, लेट्स डू दिस फॉर 5 मिनट। ओहो,
5 मिनट्स के लिए आपने लेनी है, 4 या 5 मिनट बहुत आराम से, इतना तो आप ले ही लो, ताकि जितने आपके पोर्स हैं ना, जितने भी आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं, जो भी आपके बंद पोर्स से ओपन हो जाए और अच्छी तरह से अंदर से आपकी क्लीनिंग हो। 5 मिनट्स हो गए, मैं 5 मिनट से स्टीमिंग ले रही हूँ। आप मेरा फेस देख के आपको जजमेंट लग गई होगी कि पूरा यू नो स्टीम वगैरह मेरे फेस। जब आपके फेस के ऊपर जैसे स्टीम का पानी आ जाता है ना, जस्ट आपने उसको ना पैट ड्राई करना है। आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो पील ऑफ मास्क है ना वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन आपका फेस गरम गरम ही होना चाहिए। अभी मेरी स्किन गरम है, लेकिन पानी जितना आपने उसको एकदम ड्राई आउट कर देना है। ये है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो, ट्यूब की पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आता है, तो ट्रैवल फ्रेंडली है। 100 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स, क्रुएल्टी फ्री ये प्रोडक्ट है, नो मिनरल ऑयल। प्राइस इसका दिया हुआ है 249 रुपीज, बट आप देख सकते हो हमेशा purple.com पे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स और भी जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनके ऊपर ऑफर वगैरह चलता रहता है, डिस्काउंट आप अपना देख सकते हो। 2 साल आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। एंड चारकोल, हम सबको पता है कि चारकोल हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। पील ऑफ मास्क है, जब आप इसको पील आउट करोगे तो आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, जितने भी आपकी डेड स्किन है, जितने भी आपकी डर्ट होगी, धूल, जितना भी होगा ना, इंटरनली जो गंदगी होती है ना, जो हमारा फेस वॉश से भी नहीं निकलती, वो आपको पील ऑफ मास्क अच्छी तरह से निकाल देता है। फ्रेगनेंस की बात करूं तो बड़ी अच्छी से इसकी फ्रेगनेंस आती है। फटाफट से मैं इसको अप्लाई कर लूं। जब भी आप पील ऑफ मास्क लगाते हो ना, थिक लेयर लगाया करो, ज्यादा पतली लेयर मत लगाया करो। थिक लेयर लगाने से क्या होता है कि जब आप उसको निकालते हो ना ड्राई होने के बाद, तो बहुत आराम से आपका आप देख सकते हो मैंने अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है और इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब गर्मियों के लिए ना बहुत सही वाला यार। और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत रिफ्रेशिंग सी आ रही है, तो कूलिंग इफेक्ट भी है। जहां जहां पे मेरे थोड़े से ब्लैक हेड्स का मुझे लग रहा था कि ज्यादा है, जैसे ये एरिया हो गया नोज, ये चीक्स का एरिया हो गया, चिन का एरिया, तो वहां पे मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी लेयर लगाई था कि अच्छी तरह से निकल जाए। 15 से 20 मिनट के लिए मैं अभी इसको रखने वाली हूँ, उसके बाद ही मैं इसको उतारूंगी जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। और कोई भी स्किन टाइप आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्किन टाइप इसको लगा सकता है। अगर आपकी ओवर ही ड्राई स्किन है तो भी यार वंस इन अ वाइल तो आप आराम से आप इसको लगाना चाहिए आपको। ये मेरे मुंह में जा रहा है, ओके, वंस इन अ वाइल तो आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए। एज ग्रुप की बात करूं तो 19-20 साल के होना, तो उसके बाद ही आप इसको ट्राई करो पील ऑफ मास्क वगैरह को, नहीं तो आप सिंपल मास्क वगैरह आप लगा सकते हो, फेस पैक वगैरह। पील ऑफ मास्क आप 20 इयर्स के होना तो ही आप इसको अप्लाई करना होगा। हाय गाइस, ओके, अब मैं वापस आ गई 20 मिनट्स के बाद। 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा क्योंकि यहाँ से एकदम ड्राई हो चुका है। बीच में कुछ कुछ जगह है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वेट है, अदरवाइज तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतना बोला भी नहीं जा रहा, स्किन खिंचती है तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए। फटाफट से मैं इसको पुल करती हूँ और आपने क्या करना है, जस्ट एक कोई भी कॉर्नर पकड़ लो। ठीक है, एक सेकंड, स्टार्टिंग में अगर आपको कॉर्नर पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में तो आप जस्ट पुल कर ही लोगे। ठीक है, देख लो सब कुछ आपके सामने ही कर रही हूँ, मैंने कुछ कट नहीं किया, कुछ वीडियो को फास्ट नहीं किया। अगर पेन की बात करूं तो यार ऐसा कुछ भी नहीं हो रही, हल्का फुल्का तो देखो नॉर्मल है यार, जब आप पील ऑफ मास्क को यूज करते हो तो नॉर्मल है, इतना सा तो पेन आपको होता है ये 19-20 का। वाओ, आई कैन सी माय स्किन सो क्लीन। मेरे यहाँ का जो था ना ब्लैक हेड्स डेफिनेटली निकले हैं, मैं आपको सारा निकाल दूं, बस आपने नीचे नीचे की तरफ निकालना है। ठीक है, देख लो मैंने कट नहीं डाला इस क्लिप में ना, मैंने इसको फास्ट किया, जो है आपके सामने है। जहां जहां पे आपको लग रहा है कि मेरा छूट गया तो समझो डियर वो गीला रह गया होगा। ठीक है ना, ऑलरेडी मैं 20 मिनट्स इसको दे चुकी थी। जहां से आपका छूट गया ना, तब पानी कोई थोड़े से गीले से टॉवल के साथ आप इसको रिमूव कर लो। चलो,
ओके डेरी, ये जगह तो मेरी एकदम, मैंने निकाले, फेशियल हेयर निकले हैं मेरे, छोटे छोटे निकले। मैं आपको एंड तक देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देख लो, इसके अंदर ऐसे नहीं दिखेंगे, दूसरे वाले आपको ना शूट करके दिखाते हूँ नजदीक से। तो चलो पहले इसको निकाल दें, वैसे आपको नीचे की तरफ पुल करना चाहिए। ये देखो बहुत आराम से ये बाहर आ गया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था कि टाइम लगा। थोड़े बहुत जो बालों में लग जाता है तो थोड़ा सा क्लीन कर लो पानी के साथ, ठीक है। एंड फेशियल हेयर्स निकले हैं, डेफिनेटली निकले हैं। व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स के जो थी ना बात, एक्चुअली मैंने स्टीमिंग कर ली थी उससे पहले, उससे इसलिए थोड़ा सा ना क्लीन क्लीन हो गया, निकल गया। अब मैं इसको ना थोड़ा सा गीला रह गया ना बीच बीच में पानी के साथ, थोड़ा सा मैं इसको अब अपने फेस को वेट टॉवल के साथ क्लीन करती हूँ। मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया एंड आप देख सकते हो, आई कैन डेफिनेटली फील अ चेंज। मुझे मेरी स्किन इतनी क्लीन लग रही है। और यहाँ पे ना फेशियल हेयर अगर आपके बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे तो उसको निकालने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बाल खींचेंगे। अगर आपके मेरे जैसे हैं, छोटे छोटे रोए रोए जैसे, तो ये पूरा भरा पड़ा फेशियल हेयर से। और व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देख सकते हो आप, एकदम क्लीन लग रहा है, नोज एकदम क्लीन लग रहा है, शाइन आ चुकी है। तो अब मैं इतना जरूर कह सकती हूँ मेरी स्किन डिटॉक्सिफाई होगी क्योंकि इसके अंदर चारकोल है, तो डेफिनेटली आपकी अंदर से गंदगी निकालता है। स्टीमिंग कर ली तो उससे और अच्छी तरह से आपकी स्किन क्लीन होगी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी तरह से मैं आपको वीडियो का यू ना अच्छी तरह से रिव्यू और डेमो करके दिखा सकी। मेरी तरह से आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली गो एंड बाय दिस, आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे। निकालते समय बिल्कुल पेन नहीं होती यार, सब कुछ तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे, कूपन कोड आप अप्लाई कर लेना। आज इलाइट डे है तो आप उसका भी फायदा जरूर उठा लो, 10 प्रोडक्ट्स खरीदोगे गुड वाइब्स के जो भी इलाइट प्रोडक्ट्स हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। टिल देन बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओके, अब आप देख सकते हो मैंने अभी अभी अपने स्किन के ऊपर से ये पील ऑफ मास्क निकाला है, तो आई होप आप लोग देख सको। आपको छोटे छोटे से ना रोए रोए से आपको बाल वगैरह नजर आ रहे होंगे, और आपको यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ब्लैक हेड्स वगैरह भी हैं, वाइट हेड्स भी हैं, काफ़ी कुछ मतलब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आई होप यार मेरा कैमरा इसको कैप्चर कर पा रहा है। ये आप देख सकते हो वाइट हेड्स वगैरह, एंड डेफिनेटली आपको ये वाला पील ऑफ मास्क ट्राई करना चाहिए, आपकी स्किन की अंदर से गंदगी को निकालता है।